वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। क्या कानून नागरिकों के लिए अलग और सांसद विधायकों के लिए अलग होते हैं? यह बात लोगों के दिमाग में तब आ रही थी जब लोग जलगांव के सांसद उन्मेश दादा पाटिल को बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पर सवार होकर घूमते देख रहे थे। अगर आम आदमी इस तरह से बिना नंबर प्लेट या बिना रजिस्ट्रेशन की हुई गाड़ी लेकर घूमता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। RTO और ट्रैफिक विभाग उस वाहन धारक पर जुर्माना लगाते हैं। नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बगैर रजिस्ट्रेशन किए गाड़ी चलाता है या सड़क पर गाड़ी का उपयोग करता है तो 39, 192 और 1 के तहत उसे लगभग 4,000 रुपए का दंड लगाया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार ये फोर्ड की महंगी गाड़ी सांसद महोदय के नाम पर ही है एवं अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है क्योंकि मामला शायद 24 नंबर का है। अब ये देखिए, सांसद महोदय की गाड़ी पर सांसद नाम का स्टिकर तो है लेकिन नंबर नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो सांसद महोदय को यह स्टिकर कहां से मिला, क्योंकि जब किसी गाड़ी के लिए सांसद या विधायक एप्लीकेशन करते हैं तो उन्हें उस गाड़ी का नंबर देना पड़ता है जिस गाड़ी पर यह स्टिकर यूज किए जाएंगे। तो क्या उन्मेश दादा पाटिल को यह स्टिकर बगैर किसी जानकारी या एप्लीकेशन के लिए दे दिया गया या फिर यह स्टिकर किसी और गाड़ी के लिए दिया गया था और उन्मेश दादा पाटिल उसे यहाँ यूज कर रहे हैं? गलती तो उस गाड़ी विक्रेता डिस्ट्रीब्यूटर की भी बताई जाती है जो बगैर रजिस्ट्रेशन के ग्राहक को गाड़ी खुलेआम सुपुर्द कर देता है और ग्राहक उस गाड़ी का उपयोग करने लगता है। आपको बताते चले कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से अगर किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो किस तरह पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी एक्सीडेंट करके गई है, अथवा बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस गाड़ी को किसी भी तरह का इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा। तो फिर आखिर सांसद महोदय इस तरह की गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन के यूज क्यों कर रहे हैं? हमने सांसद महोदय से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हमने गाड़ी के डिस्ट्रीब्यूटर से शोरूम पर फोन लगाया तो हमें जानकारी दी गई कि वो जो कर रहे हैं वो सही है और वह कोई गलत काम नहीं करते हैं। जब हमने जलगांव के RTO विभाग से जानकारी ली तो पता चला कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी सड़क पर नहीं घुमा सकता है और ना ही गाड़ी के शोरूम से वह गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन के ग्राहक को दी जा सकती है। अब अगर सांसद महोदय या शोरूम से कोई व्यक्ति अधिकृत जानकारी या इंटरव्यू देना चाहेगा तो हम वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल पालक मंत्री क्या कहते हैं सांसद महोदय के बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी के लिए, वो सुन लीजिए। उन्मेश पाटिल जो हैं वो बिना नंबर की गाड़ी यूज कर रहे हैं। जब खासदार ऐसा करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाद में नंबर ही नहीं मिलने वाला है उनको। ठीक है, आपने अभी देखा कि गुलाबराव पाटिल जी जो हैं वो अपने शैली में किस तरह से जवाब दिया करते हैं। बगैर नंबर की गाड़ी यूज़ करने पर उन्होंने कहा है कि आगे उनको चल के नंबर ही नहीं मिलेगा। देखना है कि इस बारे में अब विभाग क्या करता है, RTO विभाग और ट्रैफिक विभाग जो है वो क्या सांसद महोदय की गाड़ी को डिटेन करता है, उनको जमा करता है, क्योंकि आम आदमी के लिए जो रूल्स हैं वही रूल्स खासदार और सभी के लिए होने चाहिए। आम आदमी अगर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ चलाता है तो उसकी गाड़ी पकड़ ली जाती है, लेकिन अभी सांसद अगर इस तरह से बिना नंबर प्लेट की गाड़ी सिर्फ अपना लोगो लगा के चल रहे हैं तो क्या RTO विभाग और सरकारी विभाग उस पर कार्यवाही करेगा? देखना तो अब ये है कि RTO विभाग और ट्रैफिक विभाग क्या सांसद महोदय की गाड़ी और गाड़ी विक्रेता डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी पर कोई कार्यवाही करते हैं, क्योंकि अगर यह किसी आम व्यक्ति की गाड़ी होती तो जरूर उसे कहीं न कहीं धर पकड़ लिया जाता और उसका चालान भी कर दिया जाता। RTO विभाग और ट्रैफिक विभाग को चाहिए कि बगैर किसी डर के सांसद महोदय की गाड़ी का चालान किया जाए और उसे रजिस्ट्रेशन ना होने तक डिटेन कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह से गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन के चलाना और उसका उपयोग करना कानून के खिलाफ है और कानून सबके लिए एक है। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। Hey guys, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।